गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक तीनों ही लोग तिलक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तीनों बाइक पर सवार थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। तीनों को बरही था, उनसे लौटाने में बथना के लगे घटना घट गई। 3 आदमी की। तो क्या नाम है इन लोगों का? वो लोग का एक जन है गुडू गुडू हाँ, एक जना के चंदन, एक जना के धर्मेंद्र। गोपालपुर थाने के बथना बाजार के पास की ये घटना है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीनों को कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना में शामिल तीनों मृतकों की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के धोबीचक गाँव के रहने वाले गुड्डू चौरसिया चंदन कुमार और यूपी के तिनफेड़वा गाँव के धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद शादी समारोह की खुशियाँ गम में बदल गई है। पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो कैसे घटना घट गया जी? और मोटरसाइकिल से। ये लोग कैसे थे? ये लोग मोटरसाइकिल से। तीनों आदमी एक्सपर्ट डेथ हो गए। हाँ, वही है डेथ। क्या लगता है आपको? एक भतीजा लगता है, एक नाती लगता है, 2 नाती लगता है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? भोभी चौक। गई भोभी चौक से तिलक। बताया जा रहा है कि सभी लोग तिलक चढ़ाने गए थे। एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे। तिलक समारोह में गए सभी लोग बाद में घर वापस लौट गए, लेकिन बाइक सवार तीनों जब घर नहीं पहुंचे तो लोगों को चिंता हुई, जिसके बाद कुछ लोग उनकी तलाश में निकल पड़े। तलाशी के दौरान इन्हें 27 पर मृत अवस्था में तीनों का शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद अब शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। गोपालगंज से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।